सर, मेरा एक निजी अनुभव इस समय के दौरान रहा जब मैं ड्यूटी पर था कि मुझे सूचना मिली कि मेरी माता जी को हार्ट अटैक आने के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उस समय मैंने अपनी ड्यूटी को जारी रखा। एक मन कह रहा था कि आप माँ के पास जाइए, दूसरा मन कह रहा था नहीं, अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू कीजिए। इंस्पेक्टर सुरेश कुमार, G20 समिट के दौरान मेरी ड्यूटी भारत मंडपम में L1 में बायलेटरल मीटिंग रूम्स की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग थी। क्या रहा आपका अनुभव इस समय? सर, मेरा एक निजी अनुभव इस समय के दौरान रहा कि दिनांक 9/9 को जब मैं ड्यूटी पर था तो मुझे सूचना मिली कि मेरी माता जी को हार्ट अटैक आने के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सर, उस समय मैंने अपनी ड्यूटी को जारी रखा। एक मन कह रहा था कि आप माँ के पास जाइए, दूसरा मन कह रहा था नहीं, आप इस देश को गौरव हैं और अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू कीजिए। तो सुरेश जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने देश की जरूरत को प्राथमिकता दी। व्यक्तिगत इतनी बड़ी घटना, उससे अपने आप को अपने ड्यूटी के लिए समर्पित रखा। परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे। धन्यवाद। जय सर। नाम रविंदर त्यागी है। जब मैंने घर पे ये बताया कि भाई G20 का आयोजन है, ऐसे तो सबको मालूम था, पर जब मैंने अपनी श्रीमती जी से बोला कि भाई 8, 9, 10 मैं अर्ली मॉर्निंग जाऊंगा और लेट नाइट घर पे आऊंगा, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़े फख्र की बात है त्यागी जी, अगर आप घर भी ना आओ 3 दिन वहीं रहो तो कौन सी दिक्कत है आपको। भाई हम तो बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि आप G20 के आयोजन का हिस्सा हो, तो 3 दिन वहीं रहो, ये देश का सवाल है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की रही कि ये G20 का आयोजन भारत के साथ साथ दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ उस ITPO के परिसर प्रगति मैदान में हुआ जहां हम पिछले 37 वर्षों से काम कर रहे हैं। त्यागी जी। जी सर। मुझे लगता है जिस दिन आपकी श्रीमती जी को पता चलेगा जी कि अब मोदी जी आपको 1 महीने के लिए ले जा रहे हैं जी, तब तो वो मिठाई बांटेगी सर। जय हिंद सर। मेरा नाम पिंकी रानी है और मैं हरियाणा से एक छोटे से गांव गोची से बिलोंग करती हूँ। सर, मैं फिलहाल दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर मुखर्जी नगर थाने में पोस्टेड हूँ। और सर, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेरी ड्यूटी तुर्की देश की प्रथम महिला श्रीमती अर्दोगन के साथ लगी थी। एक बार मैं मैम को दिल्ली हाट हम लोग लेकर के गए। सर, मैम एक कपड़े को छूकर जानना चाहती थी कि ये कपड़ा कौन सा है और इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। सर, मुझे तुर्की भाषा नहीं आती और सर मैडम को हिंदी भाषा नहीं आती थी। तब सर हमने G20 ऐप का सहारा लेकर के उस भाषा का अनुवाद किया और दुकानदार को ये समझाया कि मैडम को क्या चाहिए।